हमारे घर के रोज़ के काम करने के लिए अगर हम कुछ आइडियाज़ या कुछ चीज़ें ऐसी यूज़ कर लें जिससे कि वो काम सिर्फ आसान ही नहीं जल्दी भी हो जाए, कन्वीनियंटली भी हो जाए, तो हमारे ना घर के काम फटाफट से निपट भी सकते हैं और कई बार ये मुश्किल लगने वाले काम भी आसानी से हो सकते हैं। जैसे बहुत ही छोटी सी बात है, सिलेंडर निकाल के बाहर रखना, जब ये सिलेंडर खाली हो जाता है तब भी ये इतना तो हैवी रहता है कि इसे हम लिफ्ट करके अपने किचन से लेके बाहर नहीं जा सकते हैं, और भारी सिलेंडर लिफ्ट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो देखिए, मैंने ना ट्रॉली यूज़ कर ली है और ये कितना आसान हो गया है, किचन से लेके बस मुझे बालकनी तक ये लेके जाना था, बट अगर ये ट्रॉली नहीं होती तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। तो अगर कुछ चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़े अपने काम को आसान करने के लिए, कन्वीनियंट करने के लिए, तो ज़रूर यूज़ कीजिए। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक गाइज। मेरे पास कुछ पुराने पिलो कवर्स रखे हुए थे। देखिए, इस पिलो कवर को मैं एक ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ करूँगी। कई बार मैंने पिलो कवर्स के हैक्स आपके साथ शेयर किए हैं। ये एक बहुत ही नया सा हैक है और सिंपल है। देखिए, पिलो कवर लीजिए, कोई भी पुराना पिलो कवर ले लीजिए, अगर कॉटन का होगा तो अच्छा है, क्योंकि अगर सिंथेटिक पिलो कवर्स है ना तो फिर ये वाला ऑर्गेनाइज़र ठीक से नहीं बनेगा। तो मैंने कॉटन का थोड़ा थिक वाला पिलो कवर लिया है और दोनों साइड से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है इक्वली, बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। अब देखिए, जहाँ जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ वहाँ पर स्टिच करना है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, मेरे पास मशीन है तो मैंने मशीन से स्टिच कर लिया है। इससे थोड़ा सा अच्छे से पक्की स्टिचिंग हो जाती है और बीच में से, साइड में से, जितने भी आपको पॉकेट्स बनाने हैं उनके हिसाब से आप इसमें स्टिच कर सकते हैं। और मैंने बीच में एक ये हैंगर लगा दिया है और हमारा ये ऑर्गेनाइज़र रेडी है। देखिए, दोनों साइड से आप बहुत सारे सामान इसमें रख सकते हैं। जैसे मैंने इसे स्पेशली बनाया है छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए जो यहाँ वहाँ पड़ी हुई रहती हैं। कभी हम टेबल पे छोड़ देते हैं, कभी हम अपने वार्डरोब में ऐसे ही फेंक देते हैं। हमारे स्पेक्स हो गए या छोटी डायरीज़ हो गई, सीजर्स हो गए, कोम हो गया, ये बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कई बार हमारे घर को ना क्लटर्ड कर देते हैं, अनटाइडी शो करते हैं। तो इसलिए जो सामान यहाँ वहाँ पड़े हैं उसके लिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। घर में रखे जो भी आपके पास पुराने पिलो कवर्स हैं, कॉटन का होगा तो ये अच्छे से बन जाएगा। मैंने इसे यहाँ वॉल पे हैंग कर दिया है और दोनों साइड ही इसके आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको ना अपने वार्डरोब में भी हैंग कर सकते हैं। वार्डरोब के अंदर रहेगा तो देखिए बाहर बहुत ज़्यादा चीज़ें फैली हुई भी नहीं दिखेंगी, और कई बार ना ऑर्गेनाइजर्स हम यहाँ वहाँ हैंग कर देते हैं, उससे भी हमारा घर अनटाइडी दिखता है, बहुत भरा भरा दिखता है। तो आप इसको वार्डरोब के अंदर हैंग कीजिए, दोनों साइड्स को आप आसानी से यूज़ कर सकेंगे। मैंने इसमें 6 पॉकेट्स बनाए हैं। आप चाहे तो छोटे छोटे इसमें आप 6 या फिर डबल भी कर सकते हैं इसके पॉकेट्स। टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितने पॉकेट वाला ऑर्गेनाइज़र चाहिए। तो यहाँ तो मैंने पिलो कवर यूज़ किया था, अब मैं अपना एक मैट यूज़ कर रही हूँ। ये न्यू मैट है, मैंने पुराना यूज्ड वाला मैट नहीं लिया है और इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ही मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो ये वाला जो हैंगर है इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा इसे फोल्ड कर दिया है मैट को, सो डैट ये हैंगर यहाँ पे अच्छे से अटक जाए। और क्योंकि ये मैट थोड़ा मोटा है तो मैं अवॉइड कर रही हूँ कि इसमें मैं मशीन ना यूज़ करूँ, इसलिए मैं इसको हाथ से ही सिल रही हूँ। क्योंकि कई बार ना जो मोटे थिक मैट्स रहते हैं वो मशीन में स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और नीचे वाला पार्ट भी मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और यहाँ पर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने पॉकेट्स बनाना चाहते हैं। और मैट है ना, मैट थोड़े थिक रहते हैं तो इसका ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छे से बनता है। लेकिन आप पुराने जो मैट्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको अच्छे से धो लीजिए, फिर आप ऐसे ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। मैंने तो न्यू मैट लिया है और यहाँ पे मैं अपनी बेटी की जितने भी क्राफ्ट की सप्लाईज़ है ना वो रख रही हूँ, क्योंकि उससे भी उसका जो स्टडी टेबल है काफ़ी ज़्यादा क्लटर दिखता है। तो ये मैंने डोर के पीछे हैंग कर दिया है, वहीं उसका जो स्टडी टेबल है वहाँ रखा रहता है, तो उसके लिए भी आसान हो जाएगा यहाँ से कुछ भी चीज़ें लेना। तो देखिए, एक मैट से भी आप इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं और दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है। अपने फर्नीचर्स को डेकोरेट करने के लिए हम नई नई चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि सोफ़े के कवर्स ख़रीद लेते हैं और रनर्स ख़रीद लेते हैं अपने कॉफ़ी टेबल के लिए, डाइनिंग टेबल के लिए, और ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। लेकिन बहुत सारे पैसे भी हमको वेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे लगाने पड़ते हैं ये सारी चीज़ें खरीदने में। जैसे ये रनर मैंने लिया था 600 रुपीज़ में, बहुत ही सुंदर है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे पैसे डेकोरेशन में ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो इन रनर्स, सोफ़े के कवर्स और कॉफ़ी टेबल के जो भी मैट्स वगैरह हम बाहर से लेते हैं, उनको बाहर से लेने के बदले आप एक बार घर में ज़रूर चेक कर लीजिए। आपके पास कुछ पुराने कवर्स रहेंगे,
कर्टन्स रहेंगे, कुछ अच्छे अच्छे प्रिंट वाले कर्टन्स भी रहते हैं जो फट जाते हैं यहाँ वहाँ से। तो ये मेरे पास एक रेड कलर का बहुत ही पुराना सा कर्टन रखा हुआ था, इसको बस मैं फोल्ड कर लूँगी, कुछ भी स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ ही मैं इसको फोल्ड करूँगी और अपने डिश वॉशर के ऊपर मैं एज अ कवर इसको बिछा लूँगी। तो बहुत ही सुंदर लगता है और देखने में ना किसी को पता भी नहीं लगेगा कि ये पुराना कोई कर्टन है। तो इस तरह से आप अपनी पुरानी चीज़ों को, पुराने कपड़ों को एक बार देख लीजिए, स्पेशली जो कर्टन्स रहते हैं, जो बेडशीट्स रहती है वो छोटी मोटी जगह से फट जाती है, तो उसको आप जो फटा हुआ जो पोर्शन है ना उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आप इसको ऐसे अपने फ्रिज के कवर के लिए या फिर टेबल कवर के लिए एज अ रनर आप कहीं भी इनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और बिना पैसे खर्च किए आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। और जितनी भी पुरानी चीज़ें आपके पास रखी है जो आप फेंकने ही वाले थे, तो उनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस तरह से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करने में या फिर सजाने में। और हमारे पास पुराने बहुत सारे कंटेनर्स भी रखे रहते हैं, जैसे कि फूड के कंटेनर्स, जो हम कई बार फूड ऑर्डर करते हैं बाहर से, तो उन कंटेनर्स को भी आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने घर में डेकोरेशन के लिए। तो मैं एक छोटा सा ये वाला बॉक्स यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं पेंट करूँगी, ज़्यादा पेंट नहीं करूँगी, बस छोटा मोटा सा डिज़ाइन इसमें कर दूँगी। लेकिन सबसे पहले ना मैं न्यूज़पेपर बिछा दूँगी ताकि जो सरफेस है, जो भी सरफेस पे आप कुछ DIY कर रहे हैं या क्राफ्ट कर रहे हैं, तो उसके पहले ना आप न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लीजिए, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर, उससे आपका जो सरफेस है वो गंदा नहीं होगा और फिर बाद में जो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना सफाई के लिए वो भी कम लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ये स्पंज मैंने ख़रीदा था बहुत ही सस्ते में, मुझे एक शॉप से मिल गया था और ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, तो इससे आप आराम से किसी भी चीज़ के ऊपर ना पेंटिंग कर सकते हैं। तो बस मैं इसमें रेड ब्लू और येलो कलर के डॉट्स बना दूंगी और फिर ये जो कंटेनर है ना इसको मैं अपने लिविंग रूम में यूज़ करूंगी। तो इसको आप पानी डाल के भी इसमें कोई भी प्लांट रख सकते हैं। मैं इसमें एक आर्टिफिशियल प्लांट रखूँगी जिसका जो बेस है ना थोड़ा सा ख़राब हो गया है और उसको ऐसे ही रखने से वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए मैं ये वाला कंटेनर यूज़ कर रही हूँ। और इसको थोड़ा सा कलरफुल इसलिए बनाया है क्योंकि लिविंग रूम में आप थोड़े कलरफुल चीज़ें रखेंगे तो आपका जो रूम है ना बहुत ही सुंदर सा लगेगा। तो कलर ज़रूर यूज़ कीजिए, कलर यूज़ करेंगे तो आपको फिर बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो छोटे मोटे जो पुराने बॉक्सेस रखे रहते हैं उनको आप कलर करके इस तरह से अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। अपने किचन के काम को थोड़ा सा और जल्दी फिनिश करने के लिए और आसान बनाने के लिए आप ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अपने किचन में हमेशा यूज़ करती हूँ, इससे ना बर्तन भी कम निकलते हैं क्योंकि इसको आप पैन में यूज़ करेंगे तो आपके बर्तन ख़राब नहीं होंगे। और ये नॉन स्टिक शीट्स हैं, आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बेकिंग के लिए या फिर एयर फ्रायर में या फिर अपने फूड को रीहीट करने के लिए। इसके लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ना हमारी जो क्लिप्स होती हैं डेली हम इनको यूज़ करते हैं, रबर बैंड्स यूज़ करते हैं, तो ये एक दूसरे में उलझ के रह जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और फिर एक एक को सेग्रीगेट करो, अलग अलग करो और फिर यूज़ करो ना, इसमें बहुत ज़्यादा समय चला जाता है। तो इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि हमेशा ही ये ऑर्गेनाइज रहें और आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो ये आराम से आप इसमें से निकाल भी सकें और आपको रखने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। रबर बैंड्स रखने के लिए और क्लिप्स रखने के लिए तो ये अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और इनको ना बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब भी यूज़ करेंगे, आपको जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, ये एक दूसरे से उलझेंगे नहीं, मिक्सअप नहीं होंगे। तो इससे आपका ना बहुत सारा समय बचेगा और बार बार आपको इनको ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। साल में एक बार यूज़ होने वाले कुछ कुशन कवर्स रहते हैं जिनको हम ठीक से तो रखते हैं लेकिन ये बार बार अनऑर्गेनाइज हो जाते हैं, अनटाइडी लगते हैं। तो इनको आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कीजिए कि इसमें डस्ट भी ना आए, ये गंदे भी ना हो और जब भी आप साल में एक बार या दो बार आप इनको निकालें तो ये आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे और फ्रेश मिले। 2 से 3 कुशन कवर्स को आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, एक फोल्ड कीजिए इसमें और इनको ना एक साथ रोल कर लीजिए। एक साथ रोल करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे अपने कोई पुराने सॉक्स। ट्राई कीजिए कि फटे हुए सॉक्स ना लें, जो पैर में गुम जाते हैं ना, एक हाथ रह जाते हैं, वो उस टाइप के सॉक्स आप यूज़ कर लीजिए और इस तरह से रोल करके इनको सॉक्स के अंदर आप पैक कर दीजिए और जहाँ कहीं भी आपको रखना है इन्हें रख दीजिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल भी इनमें डस्ट नहीं आएगा और ये सालों साल बिल्कुल फ्रेश और साफ़ रहेंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।